Hi there, this is Divyanshu from ISD BPIT. Let's get started with another video, that is Flutter Basics. So, सबसे पहले कुछ चीज़ें आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए, दैट इज़ VS Code या फिर Android Studio में बड़ा सिंपल है, बट आई पर्सनली लाइक VS Code बिकॉज इट्स लाइट वेट एंड Android Studio से बेटर दिखता है. तो हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने लीव किया था लास्ट वीडियो में, दैट इज़ कि ये ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट हमें प्री बिल्ड दे रखा होता है, प्री बिल्ड कोड हमारे पास रहता है जो फ्लटर वालों ने दे रखा है ऑलरेडी, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऑलरेडी ये होता क्या है. तो इन केस ऑफ VS Code में हमें रन करने के लिए फ्लटर स्पेस रन इस कमांड से रन हो जाता है, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे iOS हो. एंड्रॉयड स्टूडियो में तो बटन रहता है तो उसमें कोई इशू है नहीं. तो अब बेसिकली फ्लटर को थोड़ा समझ लेते हैं कि है क्या. फ्लटर में हम यूज़ करते हैं कौन सी लैंग्वेज, दैट इज़ डार्ट. तो डार्ट फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में यूज़ होती है, एंड फॉर फ्रंट एंड वी हैव विजेट्स. तो विजेट्स, हर एक चीज़ एक विजेट है. कोई भी ऐप बार आपको दिख रहा है, कोई बटन दिख रहा है, कोई टेक्स्ट दिख रहा है, तो हर एक चीज़ एक विजेट है. जैसे हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास प्री बिल्ड प्रोजेक्ट है, इसको मैंने रन कर रखा है. एंड इसके अंदर क्या है हमारे पास, एक बटन है, बटन के अंदर एक प्लस साइन है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट व्यूज़ है. तो ये सब कुछ एक विजेट है, एंड विजेट के अंदर विजेट डाल के हम एक नया विजेट क्रिएट कर देते हैं. जैसे कि एक बटन विजेट है, बटन विजेट के अंदर हमारे पास प्लस आइकन हमने बना रखा है, तो वो एक नया विजेट है, एक आइकन विजेट. तो बटन का चाइल्ड है, दैट इज़ आइकन विजेट. तो ऐसे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट व्यू दे रखे हैं, कुछ पैरामीटर्स रहते हैं जिनके हिसाब से हम इसको सेट कर लेते हैं. तो जो ऑलरेडी प्रीबिल्ट प्रोजेक्ट है इसको हम जरा हटा देते हैं, बिकॉज वी आर बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच, दैट इज़ हेलो वर्ल्ड ऐप. स्टार्टिंग हम उसी से करते हैं, एंड सबसे पहले कुछ इम्पोर्ट हम कर लेते हैं, इम्पोर्ट स्टेटमेंट, दैट इज़ मटीरियल, जो एक मटीरियल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगा ऐप को. उसके बाद स्टेट लेस विजिट. तो इसमें दो हमारे पास ऑप्शन रहते हैं विजिट के, दैट इज स्टेटलेस विजिट एंड स्टेटफुल विजिट. स्टेटलेस विजिट में क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट है दैट इज परमानेंट, जो चेंज नहीं होगा, उसको हम कहते हैं स्टेटलेस विजिट. और जो भी विजिट रीबिल्ट होता है या फिर चेंज होता है उसको हम कहते हैं स्टेटफुल विजिट. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक ये ऐप बार है, तो ऐप बार कभी चेंज नहीं होगा यहाँ पे, अगर हम इसी स्क्रीन पे, या फिर कोई एक बटन ऐसा टेक्स्ट है, यू हैव पुश द बटन दिस मैनी टाइम्स, तो ये टेक्स्ट कभी चेंज नहीं होगा, तो ये स्टेटलेस विजिट में आ सकता है. एंड जो विजिट्स रीबिल्ड हो रहे हैं, जैसे कि अगर हम प्लस इंक्रीमेंट करते हैं यहाँ पे, तो 0, 1, 2, 3, तो ये विजिट बार बार रीबिल्ट होता है, दोबारा बनता है 0 से 1, 1 से 2. तो जब भी विजिट हमारा रीबिल्ड होता है तो हम उस केस में स्टेट फुल विजिट यूज़ करते हैं. तो अभी हमें हेलो वर्ल्ड ऐप बनानी है, तो हेलो वर्ल्ड के लिए हमें चाहिए स्टेट लेस विजिट, तो स्टेट लेस विजिट हमने क्रिएट कर दिया. यहाँ पे हमने उससे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए void main. और फॉर डार्ट में कोड करने के लिए आपको बेसिकली कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, या तो आप डार्ट शुरुआत से नया भी सीख सकते हैं, तो कुछ ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती होगी तो बड़ा इजी रहेगा. तो जावा हो सकती है, वो सी शार्प हो सकती है, या इवन C++ हो सकती है, तो चीज़ें बड़े आराम से समझ में आएगी. तो void main के बाद मैंने एक कमांड लिखी है, दैट इज़ इक्वल टू एंड ग्रेटर देन. तो एक शॉर्टकट होता है रिटर्न स्टेटमेंट का, मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है ये. एंड ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम रिटर्न कुछ भी हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये जो रिटर्न होता है, तो इसका एक शॉर्टकट है, वो इक्वल टू ग्रेटर देन. ठीक है, ये एक शॉर्टकट. उसके बाद रन ऐप, उसके बाद हेलो वर्ल्ड ऐप है, तो हेलो वर्ल्ड ऐप. अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो बड़े इजीली आप समझ जाओगे इन सब चीज़ों को. उसके बाद हम एक स्टेट लेस विजिट हम क्रिएट करते हैं. स्टेट लेस विजिट क्रिएट हो चुका है. उसके बाद इसका क्लास का नाम हेलो वर्ल्ड ऐप. ओके, डन. तो इसके अंदर जो क्लास के अंदर एक विजिट शो कर रहा है, दैट इज़ कंटेनर, उसको विजिट को वो रिटर्न कर रहा है, दैट इज़ कंटेनर. तो हम कंटेनर को रिप्लेस कर देते हैं किससे, मटेरियल ऐप. कंटेनर को बाद में समझेंगे क्या है, मटेरियल ऐप, मटेरियल स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड कराएगा. उसके अंदर हम लिख देते हैं एक होम, तो इसका एक पैरामीटर है होम. तो होम के अंदर हम टेक्स्ट डाल देते हैं, टेक्स्ट विजिट. टेक्स्ट एक विजिट है, तो विजिट के अंदर विजिट, मटेरियल ऐप विजिट के अंदर टेक्स्ट विजिट. टेक्स्ट के अंदर हम लिख देते हैं, दैट इज हेलो वर्ल्ड. हेलो वर्ल्ड, ओके, डन.
तो अब इसको जरा हॉट रिस्टार्ट करते हैं विद शिफ्ट आर। तो ये ऐप रन हो गई है, बट इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बड़ा मतलब ब्लैक स्क्रीन आ रही है एंड कोई अच्छा नहीं दिख रहा, यूआई बड़ा बेकार सा है। तो इसको थोड़ा सा बेटर वे में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ विद स्कैफोल्ड विजेट। तो स्कैफोल्ड विजेट के लिए हम यहाँ होम पे लिखते हैं स्कैफोल्ड। उससे पहले ज़रा एक ऐप का नाम हम डिक्लेयर कर देते हैं विद टाइटल मटीरियल। ऐप का एक और पैरामीटर है दैट इज़ टाइटल, उसमें ऐप का नाम आप लिख सकते हैं कोई कुछ भी जो आपको देना है। उसके बाद स्कैफोल्ड एक पूरे ऐप को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा देता है, जैसे कि ऐप बार हो सकता है वो, और उसके नीचे जो भी कुछ आप देख रहे हैं दैट इज स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर। तो स्कैफोल्ड के भी कुछ पैरामीटर्स है, दैट इज ऐप बार अगर हमें बनाना है तो ऐप बार, इन केस ऐप बार आपको चाहिए जो कि चाहिए होता है। एंड इसके टाइटल हम दे देते हैं ऐप बार का, ये आएगा टाइटल इसका, जैसे ऊपर मटेरियल ऐप में लिखा है वैसे नहीं आएगा। टाइटल के अंदर एक विजेट दैट इज टेक्स्ट विजिट आएगा, टेक्स्ट विजिट के अंदर हम लिख देते हैं। ये स्टार्टिंग में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी बट एज यू गो इट विल गेट सिंपलर। तो टेक्स्ट विजिट के अंदर हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, ओके डन। और बॉडी इसका एक और पैरामीटर रहता है, सॉरी। तो बैकग्राउंड कलर, अगर हमें इसको कलर देना है ऐप बार को कोई, तो कलर्स डॉट रेड कलर आ जाएगा इससे ऐप बार का। एंड उसके बाद और भी पैरामीटर्स है, आप देख सकते हैं और भी पैरामीटर्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं इन केस यू वांट टू यूज़ देम। और अब हम जाते हैं स्कैफोल्ड के और पैरामीटर में। स्कैफोल्ड का ऐप बार डन है, तो अब स्कैफोल्ड का एक और पैरामीटर रहता है दैट इज़ बॉडी। तो बॉडी के अंदर हम डाल देते हैं टेक्स्ट विजिट। टेक्स्ट विजिट के अंदर क्या, हेलो वर्ल्ड। टू डिफरेंशिएट मैं हेलो वर्ल्ड को यहाँ ऐप बार के हेलो वर्ल्ड को आईओएसडी से रिप्लेस कर देता हूँ, जिससे थोड़ा डिफरेंशिएट करने में इजी रहे। हम इसको फिर से हॉट रिस्टार्ट करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ओके, तो यूआई काफ़ी बेटर हो चुका है, इसको आप एंड्रॉयड में भी सेम चला सकते हैं। बट जो हेलो वर्ल्ड है वो हेलो वर्ल्ड एक कोने में शो कर रहा है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं शो कर रहा। तो हम क्या करते हैं टेक्स्ट विजिट को एक सेंटर विजिट में डाल देते हैं, तो वो क्या करेगा उसको सेंटर में अलाइन कर देगा। तो हम पूरे टेक्स्ट को हटाते हैं या कॉपी करते हैं, इसे कॉपी करके कट कर दिया। एंड देन सेंटर विजिट का चाइल्ड जो सेंटर विजिट के अंदर आएगा दैट इज दिस वन। तो ये टेक्स्ट सेंटर विजिट के अंदर आ जाएगा। फिर से इसको रीस्टार्ट करते हैं हॉट रीलोड, तो अब देखो ये सेंटर में आ चुका है। तो हेलो वर्ल्ड ऐप इज़ डन। तो बेसिकली यही था एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू इन अनदर वीडियो।